बीते दिनों दिल्ली में वकीलों और पुलिस के बीच तनातनी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दिल्ली एनसीआर से सटे हरियाणा के सोनीपत में बीते दिन ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां जिला बार एसोसिएशन के वकील हड़ताल पर जा रहे हैं। हड़ताल कर रहे वकीलों का कहना है कि वहां की मौजूदा एसपी ने वकीलों के साथ बदसलूकी की है। चलिए आपको दिखाते हैं वकील अपने पक्ष में क्या कह रहे हैं। ये सोनीपत की पहली महिला एसपी है, पहली महिला, पुरुष बधेरे देखे, महिला पहली बार देखी है। अच्छा, सबसे वरिष्ठ भी है, ये भी आवाज आई है। भाइयों, ये किरण बेदी बनना चाहते हैं, किरण बेदी। और किरण बेदी का जो असर हुआ था दिल्ली में, वो वकीलों ने किया था, इसको पता होना चाहिए इस बात का। इसको पता होना चाहिए किरण बेदी का असर वकीलों ने किया था, हम उसके गवाह हैं। दूसरी बात, सोनीपत का सांसद रमेश कौशिक जी सोनीपत बार का सदस्य है, वो हमारा भाई है, इस लड़ाई में वो भी हमारे साथ होगा, हम उससे भी मिलेंगे, हमारा शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से भी मिलेगा। हम ऐसे नहीं है हड़ताल करके यहीं बैठे रहेंगे, हम मुख्यमंत्री से जल्दी मिलेंगे। इनके तबादले की मांग हमारी जरूर से जरूर पूरी होगी, आज तक हमारी सभी मांगे पूरी हुई हैं। क्यों? ये हमारी एकता और एकजुटता का परिचायक है। सभी भाइयों से निवेदन है, ऐसी शक्ति के साथ लगे रहो। प्रतीक्षा को, तारा को, सोनीपत का अन्न और जल कड़वा लगने लग गया है, इसके दिन लद गए। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।